आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं मेरे पास ये ग्लूकोमीटर है, ये मेरे पास वन टच अल्ट्रा का ग्लूकोमीटर है, ये इसका स्ट्रिप है और ये लैंसेट है यहाँ पे। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा अभी, और एक्सपेरिमेंट ये है कि मैं अपने एक उंगली से दो बार चेक करूंगा अलग अलग स्ट्रिप लेके, और देखूंगा कि क्या रीडिंग आता है। और कुछ सेकंड बाद मैं अपने दूसरे हाथ के उंगली से एक और टेस्ट करूंगा और देखूंगा इन तीनों में से क्या रीडिंग आता है। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं, और वो एक्सपेरिमेंट है मैं तीन बार अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करूंगा। तो सबसे पहला है, मैं अपने एक ही उंगली से दो बार चेक करूंगा कुछ सेकंड के अंतर में, और कुछ सेकंड बाद अपने दूसरे हाथ से चेक करूंगा और देखूंगा कि कोई रीडिंग में फर्क आता है कि नहीं, तीनों रीडिंग में कोई फर्क आता है कि नहीं। तो चलिए पहला टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए मैंने आप लोग को बताया था लास्ट टाइम, अपना हाथ अच्छी तरीके से धो लीजिए। एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया था कि कैसे ब्लड शुगर चेक करते हैं, ग्लूकोमीटर को सही तरीके से कैसे यूज करते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिए। तो अभी हम एक टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये स्ट्रिप ले लेते हैं और स्ट्रिप को अंदर डालिए। वो बहुत सारे स्ट्रिप्स बेकार कर देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा गलती ना करें। ये स्ट्रिप काफ़ी महंगा आता है। मेरा जो स्ट्रिप है ये तकरीबन 27 रुपये का एक स्ट्रिप पड़ता है, तो इसलिए स्ट्रिप को वेस्ट ना करें, अच्छी तरह से सीख ले कि कैसे ग्लूकोमीटर को यूज़ करते हैं। तो देखिए, स्ट्रिप को आप पहले अच्छी तरह से यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, इसके अंदर डालेंगे, और जब तक ये अच्छी तरह से फिक्स नहीं होगा तब तक इसमें कोई रीडिंग नहीं आएगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं C25 का मतलब है कि ये जो आपके स्ट्रिप्स है इसमें भी एक नंबर रहता है, कोड 25। तो ये कोड 25, इसमें भी कोड 25 है, और आप देखेंगे कि ये रेडी हो गया है और यहाँ पे ब्लिंक करेगा कि अब ब्लड डाल सकते हैं। तो ये चेक करना है, और हमारे पास है एक लेंसिंग डिवाइस, ये लेंसिंग डिवाइस है और ये लैंसेट है। ये लैंसेट भी मैंने आप लोग को बताया था कि वन टाइम यूज है, प्लीज इसको बार बार यूज मत करिए, वन टाइम यूज करिए। तो लैंसेट डालने का तरीका ये है कि इसको अंदर डाल दिए और इसको निकाल दिए। क्योंकि मैं अभी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और दो बार प्रिक करूंगा, तो दो बार आप इससे प्रिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक ही बार में अगर आप दो तीन बार प्रिक करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आज दो प्रिक करूंगा और इसी लैंसेट से करूंगा, तो एक ही लैंसेट से काम चल जाएगा मेरा। तो अभी ये ग्लूकोमीटर मेरा तैयार है, आप देखिए, और मैं अभी पहले लेफ्ट हैंड से सैंपल लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको क्लिक कर दिया, लगा दिया और थोड़ा खून निकाल दिया, और एक टेस्ट कर रहा हूं अभी, ये देखिए। बस ऐसे लगा देंगे, 5 सेकेंड के अंदर एक रीडिंग आ जाएगा। तो मुझे नहीं मालूम है कि अभी क्या आ रहा है, देखता हूं अभी। तो अभी 102 आया है, 102 आया है, इसको मैं अभी निकाल लेता हूं। देख लीजिए एक बार फिर से 102, इसी खून से मैं दोबारा से टेस्ट करूंगा और देखता हूं कि 102 आता है या कुछ और आता है, ठीक है। फटाक से इसी हाथ से एक बार दोबारा से टेस्ट करेंगे, इसी खून से फिर से टेस्ट करेंगे। तो मैं ये डाल देता हूँ, ये डाल दिया, ये अच्छी तरह से लग गया, ये C25 आ गया, उसके बाद ब्लिंक करेगा और इसका मतलब है कि तैयार है। चलिए मैं एक बार फिर से लगा रहा हूँ, देखिए अभी कोई रीडिंग नहीं है इसमें, एक बार फिर से लगा रहा हूँ और ये 102 आना चाहिए, देखते हैं अभी क्या रीडिंग आता है, 102 आ रहा है या कुछ और आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, अभी 106 आया है। अभी कुछ सेकंड पहले इसी हाथ से मैंने चेक किया था, 102 आया था, और कुछ सेकंड में ही इसी खून से मैंने दोबारा चेक किया, तो आप देख सकते हैं कि 106 आया है, ये देखिए आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 4 पॉइंट का अंतर हो गया है कुछ ही सेकंड में। तो दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट मैं क्यों कर रहा हूं, मैं आप लोग को दिखाना चाहता था कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर निर्भर रहते हैं,
इसके ऊपर प्लीज निर्भर मत रहिए, क्योंकि अभी आपको मैंने दिखाया एक ही समय एक ही खून में कुछ सेकंड के अंतर में मैंने टेस्ट किया तो 4 पॉइंट का डिफरेंस आ गया। मुझे अभी डायबिटीज नहीं है इसलिए उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो 20-25-30 पॉइंट का भी डिफरेंस आ जाता है कई बार। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं राइट हैंड से प्रिक करूंगा और राइट हैंड से देखूंगा कि इसकी क्या रीडिंग आती है, सेम आती है नहीं आती है, कुछ अलग आता है। तो मैंने एक स्ट्रिप और ले लिया है और एक स्ट्रिप लेके उसी तरह से आपको डालना है। स्ट्रिप वेस्ट मत करिए, इसलिए अच्छी तरह से सीख ले कैसे यूज करना है। अच्छी तरह से देखिए, ये डालेंगे, जब ये डालेंगे तो इसमें आएगा आपका C25, आप देख सकते हैं C25, इसमें भी C25 लिखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, अब ये तैयार हो गया, अब मैं राइट हैंड से प्रिक करूंगा और देखूंगा इसमें क्या रीडिंग आता है। तो देखिए ये अभी बिल्कुल तैयार है, अभी लेता हूं और सैंपल देखते हैं इसमें क्या आता है। तो ये तैयार हो गया, ये देखिए, मुझे नहीं मालूम है क्या रीडिंग आ रहा है, आप लोग देखिए। तो देखिए अभी 103 आया है, सेम रीडिंग नहीं आया है, 102, 103, 106, एक बार फिर से देख लीजिए। तो आपने देखा दोस्तों, एक ही टाइम पे एक ही हाथ से अलग अलग हाथ से किया, नंबर सेम नहीं आता है। मेरे पे ज्यादा वेरिएशन नहीं आया, 102 से लेके 106 तक वो आया, ज्यादा वेरिएशन नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो सकता है, जिनको भी डायबिटीज होता है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। इसका मतलब यह है कि ये ग्लूकोमीटर 100% एक्यूरेट नहीं है, इसमें भी वेरिएशन आते हैं। अगर ये 100% एक्यूरेट होता तो इस हाथ से 2 बार मैंने किया, इस हाथ से 1 बार किया, तो 3 बार जो मैंने टेस्ट किया, तीनों बार रीडिंग बिल्कुल सेम के सेम आना चाहिए, लेकिन तीनों बार आपने देखा कि रीडिंग सेम नहीं आया, अलग अलग रीडिंग आया। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग प्लीज एक रीडिंग पे रिलाय मत करिए, और एक रीडिंग जरूरी नहीं है कि सही हो। तो इसीलिए कभी आपका शुगर लेवल 200 के ऊपर चला जाता है या 100 के नीचे आ जाता है, उस पर प्लीज रिलाय मत करिए। कभी 200 के ऊपर भी चला जाता है, आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है कि शुगर लेवल क्यों बढ़ गया। कभी आप लोग कुछ खाते नहीं है फिर भी आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है काफी लोगों को कि एक ही चीज रोज खाते हैं, उसके बाद भी कभी शुगर लेवल कम आता है, कभी शुगर लेवल ज्यादा आ जाता है। तो प्लीज आप लोग टेंशन मत करिए, आप लोग ज्यादा दिमाग में मत सोचिए, क्योंकि जब भी आप सोचते हैं तो कई बार आपके शुगर लेवल उसी के कारण बढ़ जाता है। तो इसीलिए टेंशन मत लीजिए, पैनिक मत करिए, एक रीडिंग से कुछ नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि हर बार जो आप टेस्ट कर रहे हैं वो सही हो, फ्लक्चुएशंस होता रहता है। तो ये टेस्ट आप लोग भी एक बार करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग का रीडिंग कैसा आया, क्या सेम आया या फिर वेरिएशन था, कितने का वेरिएशन था, कितना पॉइंट्स का वेरिएशन था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, तो मुझे भी थोड़ा सा और आइडिया लगेगा कि क्या ये मशीन एक्यूरेट है, क्या आप लोग को इस पे 100% रिलाय करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि बहुत अलग अलग रिस्पॉन्स आएंगे, तो कमेंट करना ना भूले, एक्सपेरिमेंट करना ना भूले, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो ये एक्सपेरिमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपका रीडिंग क्या आया। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, सभी लोगों से शेयर करिए, जिनको डायबिटीज है उनको तो जरूर शेयर करिए, ताकि ये एक्सपेरिमेंट वो भी कर सके और वो भी देख सके कि हर बार रीडिंग जो है सेम नहीं आता है, जबकि सेम आना चाहिए। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस मशीन में, ये मशीन एक्यूरेट नहीं है, 100% एक्यूरेट नहीं है। तो इसीलिए एक बार फिर से आप लोग को कह रहा हूं और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सिर्फ नंबर के पीछे मत भागिए, नंबर कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है, मैंने अभी एक्सपेरिमेंट करके आप लोग को दिखा दिया। आप लोग अपने सिम्टम्स पे ध्यान दीजिए, सिम्टम से ही आप पता लगा सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसे अभी एक मेरे पेशेंट ने मुझे फोन किया और बोला उनको पसीना आ रहा है, तो उन्होंने अपना ब्लड शुगर चेक किया तो ब्लड शुगर उनका ठीक था, तो मैंने उनको कहा कि आप ब्लड प्रेशर चेक करो। जब उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया तो फिर उनका ब्लड प्रेशर हाई था। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है या शुगर लेवल काफ़ी हाई चला जाता है तो आपको कुछ ना कुछ सिम्टम ज़रूर होगा, जैसे कि स्वेटिंग होना, घबराहट होना, कमजोरी होना, फेंट हो जाना,
पल्पिटेशन होना, इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आपका शुगर लेवल बढ़ता है। और अगर आपका शुगर लेवल कम भी हो जाता है, मान लीजिए 40 के नीचे हो गया या 50 के नीचे हो गया, उस समय भी ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सिम्टम्स से पता करने की कोशिश करिए कि आपका शुगर लेवल बढ़ा या कम हुआ, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा या कम हुआ, तो आपकी बॉडी ही आपको बता देगा कि अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस नंबर के पीछे मत भागिए। मेरे बहुत सारे पेशेंट के फोन आते हैं, मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मेरा शुगर लेवल आज बढ़ गया, 180 हो गया, 190 हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैंने कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं खाया, मैं एक लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहा हूं या कर रही हूं, उसके बाद भी शुगर लेवल बढ़ गया। जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपको कोई सिम्टम है, नहीं मेरे को कोई सिम्टम नहीं है, मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूं, तो मैं कहता हूं उनको कि भाई आप इस नंबर के पीछे क्यों भाग रहे हो, इसके पीछे क्यों इतना अपना दिमाग लगा रहे हो, प्लीज इसके पीछे इतना ज्यादा दिमाग मत लगाइए। हाँ, अगर आपका शुगर लेवल 200 के ऊपर आता है इसमें, तो इसको कम करने की जरूरत है। शुगर लेवल धीरे धीरे कम होता है, डायबिटीज रिवर्सल एक स्लो प्रोसेस है, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, डायबिटीज रिवर्सल एक स्लो प्रोसेस है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में डायबिटीज रिवर्स नहीं होता है। डायबिटीज रिवर्सल के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, तो प्लीज कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखिए, तो आप अपना डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।